हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल तो हम बात करेंगे देखिए केमिस्ट्री की फार्मूला तो केमिस्ट्री की फार्मूला बनाने बनाना बहुत आसान है तो बात करते हैं देखिए एक पॉज आज हम बात करेंगे दो पॉजिटिव और एक निगेटिव से बने फार्मूला की तो चलिए बात करते हैं देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ देखिए यहाँ पर आवासानी मैंने आपको याद कराया था ये देखिए इस तरीके से फर्स्ट ए ग्रुप था और इसके पास सेकेंड ग्रुप सेकेंड ए जैसे है ली ना ने की रब से और ये आपका हो गया फरियाद तो नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर ये है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी ये है आपका रेडियो एक्टिव ठीक है तो हम बात करते हैं देखिए है, यहाँ पर आपका होता है ये जो लाइन होती है पहली लाइन होती है ये मैंने आपको बता भी दिया था ये आपकी पहली लाइन थी तो ये पॉजिटिव होती है सिंगल पॉजिटिव होती है ठीक है और ये आपकी डबल पॉजिटिव क्यों होते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं वो डोनेट कर देते हैं जब डोनेट करते हैं इसलिए इन पर क्या आ जाता है टू पॉजिटिव चार्ज आ जाता है अब देखिए अब हम बात करते हैं इधर हम चलते हैं डी ब्लॉक को अभी भूल जाते हैं और पी ब्लॉक में चलते हैं पी ब्लॉक में देखिए हमारा क्या है पी ब्लॉक की बात करते हैं पी ब्लॉक में पी ब्लॉक में आपने देखा होगा ये आपका लास्ट लाइन था इनर्ट गैसेस इनर्ट गैसेस के पास में देखिएगा आप यह है फॉरन क्लास बनाओ इंस्पेक्टर अटेंड करेगा और ये आपका सेवन लाइन होती है तो यू यू एस सेप्टियम यू यू ओ ऑप्टीएम इस तरीके से आपकी यहाँ पर पी ब्लॉक है ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है अब इन पर देखिए कौन सा चार्ज होता है ये मैंने बता दिया था नेगेटिव चार्ज तो आज हम यही एलिमेंट से बनाएंगे फार्मूला क्या करेंगे दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव से बने फार्मूला की बात करेंगे अब देखिए कैसे क्या बनाना है इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए चलिए एक बार लिख लेते हैं यहां पर टू पॉजिटिव आने वाले यहां पर देखिए ये थोड़ा ये मैं हटा देता हूं ठीक है ये हटा देता हूं जैसे कि तो फॉरन क्लास बनाओ इंस्पेक्टर अटेंड करेगा यू यू यह होता है आपका सेप्टियम तो इससे हम बनाएंगे ठीक है इससे हम बनाएंगे ये कैसे बनाएंगे सबसे पहले हम लिख लेते हैं देखिए पॉजिटिव आइन बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी ये रेडियो एक्टिव है चलिए तब भी मैं बना देता हूँ ठीक है और देखिए सबसे पहले एफ़ लिख लेते हैं एफ़ हमने लिख लिया एफ़ अब इस पर निगेटिव चार्ज है इस पर क्या है टू पॉजिटिव आयन है ठीक है ये सब पर टू पॉजिटिव आयन है तो हम हमने बताया था कि आपके लिए ठीक है ये रेडियो एक्टिव है वैसे तो ये बनेगा नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा ठीक है अब देखिए क्या है टू पॉजिटिव आयन है तो आपने देखा होगा ये क्या है दो लड़के ठीक अब दो लड़के हैं तो ये है लड़की ये लड़की है तो इसको क्या है ये एक लड़की है तो क्या करना है अब देखिए अब शादी करनी है तो लड़की भी क्या है बराबर होनी चाहिए अब दो निगेटिव होना चाहिए अब दो निगेटिव चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा दो एटम हमको बनाना होगा तो दो एटम बनाना होगा दो एटम बढ़ा देंगे इसके आगे देखिए क्या हो जाएगा इस तरीके से ये यहाँ पर आपका हो जाएगा अब इधर देखिए इस तरीके से ये ये बी ई और ये बन जाएगा बी ई अब एफ देखिए कितना लग जाएगा टू क्यों क्योंकि इस पर है टू पॉजिटिव आयन और इस पर निगेटिव आयन है एक इसलिए हमें नेगेटिव आयन क्या किया गया है ये कैटाइन और ये एन आयन कैटाइन बराबर होने चाहिए एन आयन के या एन आयन बराबर हो कैटाइन के तो बराबर करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पर टू लगाना पड़ा तो इसका नाम है बेरीलीम फ्लोराइड इसी तरीके से मैग्नीशियम फ्लोराइड कैल्शियम फ्लोराइड स्टॉनशियम फ्लोराइड बेरियम फ्लोराइड रेडियम फ्लोराइड इस तरीके से देखिए कैसे बनते हैं बात करते हैं ये देखिए यहाँ पर बन गया एम जी अब बताइए क्या हो जाएगा एफ़ टू क्यों क्योंकि यहाँ पर क्या है टू पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर दो लगाना पड़ा क्योंकि ये एन आयन है दो नेगेटिव करना पड़ेगा मैग्नीशियम फ्लोराइड इसका नाम कैल्शियम फ्लोराइड सी एफ टू कैल्शियम फ्लोराइड के बाद स्टॉनशियम फ्लोराइड। इसके बाद बेरियम फ्लोराइड नेक्स्ट रेडियम फ्लोराइड चलिए ये ऐसे करके आपके बन गए चलिए मैं नाम लिख देता हूं ये क्या है बेरिलियम फ्लोराइड इसके बाद मैग्नीशियम फ्लोराइड इसका कैल्शियम फ्लोराइड इसका स्ट्रॉन्सियम फ्लोराइड इसका बेरियम फ्लोराइड इसके बाद रेडियम फ्लोराइड ये आपके यहाँ पर बनकर तैयार हो गए कितने बन गए देखिए यहाँ पर आपके कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स फार्मूला बनकर आपके तैयार हो गए बात करते हैं देखिए अब क्या करना है आपके लिए यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्क्रीन शॉट खींच सकते हो या देखिए नेक्स्ट पेज पे आप फिर से आप दूसरा ये सब बना कर क्या करें फिर से एक नेक्स्ट पेज पे दूसरे फार्मूला बनाते हैं देखिए कैसे फार्मूला बनते हैं अब हमें क्या करना है यहाँ पर फ्लोराइड की जगह क्या कर रखना है क्लोराइड चलिए क्लोराइड रख देते हैं देखिए यहाँ पर क्लोराइड रखते हैं ठीक है फ्लोराइड हटाकर हम क्या रख दें क्लोराइड ठीक है सी एल अब पर आपको पता है इसे क्या कहते हैं क्लोराइड इसे क्लोराइड कहते हैं नेगेटिव वन चार्ज होता है लेकिन क्या करना पड़ेगा यहाँ पर ये क्या है कैटाइन ये एनाइन कैटाइन बराबर होना चाहिए एनाइन के अब क्या करना पड़ेगा दो हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर दो हमें लेना पड़ेगा इसलिए अब देखिए क्या नाम बन जाएगा ये बन जाएगा बी ई -E सी एल टू इसका नाम बेरीलियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम क्लोराइड स्ट्रोंसियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड रेडियम क्लोराइड चलिए देखिए बात करते हैं कैसे बनते हैं अब क्या कर दें स्क्रीन शॉट खींचने के बाद देखिए नेक्स्ट सिक्स फार्मूला बन के और तैयार हो रहे हैं अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सी एल टू इसका नाम बेरीलीम क्लोराइड इसका नाम मैग्नीशियम क्लोराइड इसका नाम कैल्शियम क्लोराइड इसके बाद स्ट्रॉन्सियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड इसके बाद रेडियम क्लोराइड रेडियम बनता नहीं है ये रेडियो एक्टिव लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा बना के दिखा रहा हूँ ठीक है नेक्स्ट अब नाम क्या हो जाएगा इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर अब बस नाम चेंज कर देना है आपके लिए क्या कर देना है फ्लोराइड की जगह क्या हो जाएगा क्लोराइड क्लोराइड बस क्लोराइड ये देखिए क्लोराइड 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 और ये बन गया क्लोराइड फिर से एक बार समझ लीजिएगा देखिए बेरियम फ्लोराइड बेरियम के बाद मैग्नीशियम फ्लोराइड कैल्शियम फ्लोराइड स्टॉनशियम फ्लोराइड बेरियम फ्लोराइड रेडियम फ्लोराइड इसके बाद बेरियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड स्टानशियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड रेडियम क्लोराइड अब देखिए यहाँ पर कैटान बराबर हो गए, बन गया स्क्रीन शॉट खींच लीजिएगा बहुत ईजी है फार्मूला बनाना देखिए फार्मूला बनाना सीख लीजिएगा ये आपके लिए हर कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं प्लस आप जब नीट की तैयारी करेंगे तो उसमें भी पूछे जाते हैं नाइन्थ टेंथ में भी आप देखिए नाइन टेंथ में होंगे तो आपको पता भी नहीं होगा कि ये कैसे फार्मूला बनते हैं ये दो कैसे लगते हैं ये कहाँ से आता है ये कुछ भी नहीं पता चलता है लेकिन इसलिए आप क्या करें आवासाणी याद कर लीजिएगा आवासाणी मैंने याद भी कराई है आपके लिए तो आप क्या करें इस चीज़ को सब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए नेक्स्ट चलते हैं देखिए यहाँ पर ये हो गया ये हो गया इसकी बात करते हैं ये है ब्रोमीन अब देखिए ब्रोमीन अब क्या करते हैं यहाँ पर यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रोमीन क्या लिख दें बी आर इस पर भी क्या होता है एक निगेटिव चार्ज होता है वी आर अब ब्रोमिन पर निगेटिव चार्ज अब देखिए यहाँ पर दो पॉजिटिव है यहाँ पर एक निगेटिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा दो निगेटिव करना पड़ेगा दो निगेटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये हम क्या करें इसको अगर दो बार लिख दें जैसे बी आर टू कर दें टू टाइम्स लिख दें तो क्या हो जाएगा ब्रोमिन टू टाइम्स हो जाएगा तो दो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे देखिए अब फिर से एक बार अब क्या करना है बी ई बी आर टू एम जी बी आर टू सी ए बी आर टू एस आर बी आर टू बी ए बी आर टू आर ए बी आर टू इस तरीके से आपके बन जाएंगे क्या हो जाएगा देखिए इस तरीके से क्या करते हैं जैसे आपने देखा होगा जैसे ये है बी ई ठीक है बी ई और यहाँ पर बी आर है ठीक है इस पर नेगेटिव है इस पर टू पॉजिटिव है ठीक है तो आपने देखा होगा ये टू पॉजिटिव है तो इस तरीके से आप कैची कर दीजिए ठीक है तो बी ई एक की ये एक है निगेटिव और ये टू है तो इस तरीके से वन रहेगा यहाँ पर एक लिखो या मत लिखो और बी आर बी आर देखिए बार आ जाएगा ये टू लगा है तो टू यहाँ पर आ जाता है तो इस तरीके से ये आपका बेरिलियम ब्रोमाइड बन जाएगा तो ये इस तरीके से फार्मूला बनते हैं तो यही वही चीज़ यहां पर चल रहा है लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इस तरीके बटरफ्लाई लाइक मैं आपको समझा रहा हूँ तो देखिए किस तरीके से अब बनेगा यहां पर आप समझ सकते हैं अब क्या करना है आपको बेरिलियम ये समझ में आया होगा चार्ज क्या करते हैं इस तरीके से अब यहां पर देखिए बी क्या हो जाएगा बी अब क्या हो जाएगा यहां पर बी नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट फिर से लिखिएगा ऐसा नहीं इसी में करिएगा या आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर चेंज कर कर करके जैसे यहाँ पर ये पहले आपका आ जाएगा क्लोरीन वाली पूरी लाइन फिर क्लोरीन वाली फिर ब्रोमीन वाली फिर आयोडीन वाली इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप एक ही पेज में हो जाएगा सारा का सारा चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अब क्या हो जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड कैल्शियम ब्रोमाइड स्ट्रॉनशियम ब्रोमाइड बेरियम ब्रोमाइड बच्चों को पता ही नहीं चलता बी ए टू यहाँ लगाएँ या यहाँ लगाएं पता ही नहीं चलता है लेकिन ये क्या है इसमें आप कैटाइन एनाइन है बस चार्ज पता होना चाहिए आपको चार्ज जब पता हो जाएगा तो समझ लीजिए आप अच्छी तरीके से इसको बना लेंगे तो ये देखिए बी आर टू हो गया नेक्स्ट देखिए फार्मूला के नाम देखिए क्या है बेरीलीम ब्रोमाइड अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रोमाइड लिख देंगे बस चलिए दूसरे पेन से लेते हैं ब्रोमाइड नेक्स्ट स्टांसियम चलिए हटाइए पूरा ब्रोमाइड नेक्स्ट बेरियम ब्रोमाइड नेक्स्ट रेडियम ब्रोमाइड अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट कितने देखिए ये भी हो गया नेक्स्ट इसके बाद ये आया इसमें देखिए आपका क्या हो जाता है आयोडीन है तो आयोडीन है तो इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से क्या करेंगे आप आयोडीन है तो आयोडीन में आप क्या करेंगे यहाँ पर आयोडीन लिख दीजिएगा चलिए स्क्रीन शॉट खींच लीजिएगा यहाँ बी आर था अभी टू बी आर माइनस करके स्क्रीन शॉट खींच लीजिएगा इतना देखिए टू पॉजिटिव और वन नेगेटिव से बने फार्मूला अभी बना रहे हैं यहाँ पर दो धनात्मक और एक ऋणात्मक से बने फार्मूला नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अब और भी देखिए अब क्या कर दें आई लिख दें चलिए आई लिखते हैं तो क्या करना पड़ेगा ये दो धनात्मक है ये ऋणात्मक है या टू पॉजिटिव वन निगेटिव है तो ये बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये आयोडीन टू टाइम्स लेना पड़ेगा दो बार लेना पड़ेगा दो आइटम लेना पड़ेगा आयोडीन के इसीलिए अभी ये जुड़ेंगे क्यों दो निगेटिव हो गया दो पॉजिटिव हो गया आराम से जुड़ जाएंगे दो लड़का हो गया दो लड़की हो गया आराम से जुड़ जाएंगे ठीक है समझ गए ना हाँ समझ गए ये तो बहुत जल्दी समझ जाओगे देखिए यहां पर क्या हो जाएगा बीई आई टू बीई आई टू क्यों हुआ बीई आई टू देखिए यहां पर बीई पर कितना है टू पॉजिटिव चार्ज है और आई पर क्या है वन नेगेटिव है तो चलिए ठीक है वन नेगेटिव है तो इसे इधर आइए बीई हो गया ये क्या है नेगेटिव वन है ना तो वन लिख दीजिए वन लिखिए या मत लिखिए बात एक ही है अब नेक्स्ट देखिए और ये आई आई कितना है ये टू चार्ज है तो टू चार्ज है तो यहाँ पर ये टू लग गया बी ई आई टू इस तरीके से आपका ये ऐसे भी लिख सकते हैं A हो गया बेरिलियम आयोडाइड नेक्स्ट इसके बाद देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम एन जी आई टू आयोडाइड मैग्नीशियम आयोडाइड के कैल्शियम आयोडाइड सी ए आई टू कैल्शियम आयोडाइड क्यों क्योंकि यहाँ पर सी ए पर पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव है इसलिए यहाँ पर दो लगाना पड़ा क्योंकि ये दो कैटाइन है दो एनाइन भी होने चाहिए स्ट्रॉनशियम आयोडाइड बेरियम आयोडाइड इसके बाद रेडियम आयोडाइड ठीक है ये फार्मूला आपका बनकर तैयार हो गया नाम क्या लिख देंगे अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आयोडीन ये तो आयोडीन जुड़ तो जाएगा बस और कुछ नहीं होगा ये देखिए ब्रोमाइड की जगह अब क्या क्या हो जाएगा बेरिलियम आयोडाइड आयोडाइड कैल्शियम आयोडाइड स्ट्रॉनशियम आयोडाइड बेरियम आयोडाइड और ये आपका इस तरीके से ये सारे के सारे आपके बनकर तैयार हो जाएंगे देखिए बेरिलियम आयो आयोडाइड मैग्नीशियम आयोडाइड कैल्शियम आयोडाइड बन गया स्ट्रॉन्सियम आयोडाइड बन गया बेरियम आयोडाइड बन गया रेडियम आयोडाइड ऐसे करके आपके ये फार्मूला बनकर तैयार हो गया एस्टेटिन को भी जोड़ सकते हैं एस्टेटाइड हो जाता है बस और कुछ नहीं है चले एस्टेटीन वैसे ये भी रेडियो एक्टिव है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो यहाँ पर ये एस्टेटीन इस तरीके से लेकिन तब भी बना देते हैं चलिए क्योंकि हमको क्या है फार्मूला बनाना सीखना है केवल तो कैसे देखिए बनेगा ये हम बात करते हैं चलिए है। अब क्या करेंगे अच्छा अब आप ही बताइए अपने आप अब क्या करना है यहाँ पर एस्टेटिन लिख दिया जाएगा एस्टेटिन लिख दिया ठीक है अब देखिए बेरिलियम एस्टेटाइड ये टू हो जाएगा नेक्स्ट एस्टेटाइड एस्टेटाइड नेक्स्ट एस्टेटाइड एस्टेटाइड यह एस्टेटाइड हो जाएगा बस नाम क्या हो जाएगा देखिए बेरिलियम एस्टेटाइड चलिए एस्टेटाइड बस आयोडीन हट जाएगा तो यहाँ की जगह एस्टेटाइड 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 ठीक है अब तो याद भी हो गए होंगे एस्टेटाइड अब जैसे कोई कहे आप लिखिए कैल्सियम फ्लोराइड का सूत्र जैसे कोई कहे कैल्सियम फ्लोराइड यह के लिखवाए आपका आ, फ्लो आयोडाइड या यहाँ पर आपका देखिए मैग्नीशियम आयोडाइड लिखवाए कोई मैग्नीशियम आयोडाइड अब देखिए फार्मूला कैसे बनाएंगे आप दिमाग से कैल्शियम दिमाग में आना चाहिए एकदम कैल्शियम कहाँ कहाँ है बेटा मांगे कन्या सुंदर कैल्शियम अच्छा दूसरी लाइन का है दूसरी लाइन का है तो इस पर पॉजिटिव है ठीक है कैल्शियम फ्लोराइड फ्लोराइड का मतलब फॉरेन क्लास बनाओ ये कहाँ का है ये इस लाइन का है फॉरेन क्लास बनाओ ये नेगेटिव चार लाइन का है इसका मतलब वन नेगेटिव है अब क्या करना है फ्लोराइड इसका मतलब दो पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको दो लगाना पड़ेगा कैल्शियम फ्लोराइड बन गया नेक्स्ट मैग्नीशियम आयोडाइड मैग्नीशियम आयोडाइड अब लिखना है अब देख देखिए बच्चों को जब सूत्र याद नहीं होते तो बेचारे क्या करते हैं ऐसे ही लिख लेते हैं क्या मैं भी ऐसे ही लिख लेता था जैसे लिखते थे कभी, कभी कभी सर बोलते थे एसिटिक एसिड तो एसिटिक एसिड ऐसे लिख लिया हिंदी में बस याद ही नहीं था कुछ एसिटिक एसिड सर बोलते थे लिखिएगा एथिल एल्कोहल तो एथिल एल्कोहल ऐसे लिख लेते थे एथिल एल्कोहल लेकिन मैं आपको सारे फार्मूला बता दूंगा कैसे लिखा जाएगा देखिए एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड का मतलब होता है यहाँ पर सी थ्री सी डबल ओ एच एथिल एथिल शब्द का क्या होता है सी टू एच फाइव और एल्कोहल को कहते हैं ओ एच बस अगर यहाँ पर एसिड आ जाए तो यहाँ पर देखिए एसिटिक एसिटिक शब्द क्या होता है ये होता है इतना एसीटेट एसिटिक तो इस तरीके अब देखिए मैग्नीशियम आयोडाइड अब मैग्नीशियम आयोडाइड में दिमाग दौड़ाइएगा मैग्नीशियम अरे मैग्नीशियम एम जी होगा अब आयोडाइड अब बच्चों को पता ही नहीं रहता है ये दो लगाएं या दो यहाँ लगाएं या दो ऐसे लगाएं या दो यहाँ लगाएं या यहाँ ना लग के यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा कहाँ लगेगा पता ही नहीं होता है क्यों क्योंकि आवासानी याद नहीं होती है नए फार्मूला याद होते हैं कुछ भी नहीं याद होता है लेकिन आपके लिए देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम सबसे पहले मैंने क्या किया दिमाग दौड़ाया हाँ ये कहाँ से आया बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी बेटा मांगे कन्या सुंदर अच्छा दूसरी लाइन है बाबा की दूसरी लाइन है इसका मतलब टू पॉजिटिव चार्ज है टू पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये यहाँ पर क्या है ये टू पॉजिटिव आयन टू पॉजिटिव आयन है तो इसका पड़ोसी क्या होगा टू निगेटिव आइन जरूर होंगे लेकिन टू निगेटिव आयन न होकर अब देखिए यहाँ पर आयोडाइड लिखा है आयोडाइड का मतलब आयोडीन आयोडीन अब आपका दिमाग दौड़ाना चाहिए एकदम आपको एकदम आवासाणी में जाना है आवासाणी में कहा जाएंगे ये आयोडीन कहाँ से आया है आयोडीन अर्थात ये आपका जो अक्रिय गैसेस है हेमंत ने अंगूर खरीदे उससे पड़ोस वाली लाइन है फॉरन क्लास बनाओ स्पेक्टर ट्रेंड करेगा उस पर पूरा का पूरा जितनी भी लाइन है उस पर निगेटिव चार्ज होता है जब निगेटिव चार्ज है उस पर तो इसका मतलब क्या होगा कि अरे एक नेगेटिव है तो एक नेगेटिव चार्ज है इसलिए क्या करना है ये दो है तो इसे यहाँ पर इसे भी नेगेटिव दो कैसे करें यहाँ पर तो लगा नहीं सकते हैं तो दो नहीं लगा सकते हैं लेकिन हम ये इस तरीके टू टाइम्स कर देंगे इसको तो देखिए इस तरीके से एम जी ओ है क्यों इसको भी देखिए आप क्या करेंगे जैसे आपने देखा होगा मैग्नीशियम होता है मैग्नीशियम के कितने होते हैं यहाँ पर ये आपका कितना होता है ट्वेल्व होता है तो दो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर होते हैं अब देखिए इसके पास दो इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं इसका मतलब ये डोनेट कर सकता है और ये आयोडीन होता है आयोडीन के पास कितने होते हैं सेवन होते हैं फाइव सिक्स सेवन इस तरीके आई टू टाइम्स लेना पड़ता है ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब ये एक जैसी देता है इस पर नेगेटिव आ जाता है क्योंकि ये ले रहा है और इस पर पॉजिटिव आ जाता है दूसरा ये भी दे देता है इस तरीके से जैसे ये दूसरा भी देता है इस पर नेगेटिव आ जाता है इस पर ये पॉजिटिव आ जाता है इस तरीके से ये एम जी ये आपका हो जाता है डी एफ और जिसे कहते हैं डॉट फार्मूला और ये बन जाता है बी एफ अर्थात बॉन्ड फार्मूला ये बी एफ कैसे बन जाता है एम जी आई टू ये बन गया बी एफ बॉन्ड फार्मूला तो इस तरीके से मैं आपको सारे समझाऊंगा डॉट फार्मूला बॉन्ड फार्मूला सारे के सारे अब देखिए इस तरीके से आपके यहाँ पर टू पॉजिटिव और वन नेगेटिव से बने ये जो फार्मूला है वो यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कंप्लीट नहीं होते हैं मैं आपको करूँगा इसी से 800 हंड्रेड फार्मूला बनाना बताऊंगा एट अभी इसी से इसी से एट हंड्रेड क्योंकि अभी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो रह गए हैं तो एट हंड्रेड फार्मूला मैं आपको बनवाऊंगा तो देखिए फिलहाल अभी मैंने केवल सिंपल लिए हैं ये सिंपल जिससे कि आपको साधारण समझ में आ जाए आवासानी से अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे जैसे बढ़ कैसे जाएंगे यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर एक लाइन होती है पूरी की पूरी ये थ्री सीरीज़ इसमें क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं या डी ब्लॉक के जितने भी धातु होती हैं एलिमेंट्स होते हैं उन पर क्या होता है पॉजिटिव आयन होता है पॉजिटिव आयन होता है जैसे मैं बात करूं देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी ये पॉजिटिव लाइन और आगे बढ़ जाएगी कौन कौन सी यहाँ पर आगे बढ़ेगी तो इसको देखिए मैं बता देता हूं आपके लिए देखिए क्या क्या है यहां पर लाइन होती है सचिन त्रिवेदी सर मन से फे को नहीं क्योंकि जिंद देख रहे हैं इन पर क्या होता है सारा का सारा पॉजिटिव टू आइन ये पॉजिटिव टू होता है पॉजिटिव टू होता है पॉजिटिव टू पॉजिटिव टू पॉजिटिव टू, पौच्टिव टू, पौच्टिव टू। पॉजिटिव टू पॉजिटिव टू पॉजिटिव टू पॉजिटिव टू नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिर से ये इसकी बाद में पड़ोसी लाइन ये आती है ये ये जरा नवाब मोनाकी तस्वीर रू रूह में पढ़ो पढ़ो और आज कह दो इस तरीके से आप ये भी देखेंगे इसमें भी आपका प्लस टू प्लस टू प्लस, टू, प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू इधर प्लस वन भी होता है और प्लस थ्री भी शो करता है ये प्लस टू ये क्या है इनके ऊपर आयन चार्ज होते हैं इसका देखिए ला हफ्ता री ओस आई रे पट और हो गए नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए यहाँ पर प्लस टू 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 और ये, प्लेस्टू, ये प्लेस्टू। यहां पर इसी में आ जाते आपके से बन, बने कौन कौन से आते हैं Next. इसके बाद देखिए आपके आ जाते हैं यहां पर जो पड़ोसी लाइन होती है पड़ोसी लाइन कौन सी होगी ये है अभी मैं हटा देता हूं यहाँ पर पड़ोसी लाइन कौन सी है देखिए इसके बाद आपका आ जाता है ये थर्ड थर्ड आपकी आ जाती है ए और थर्ड के बाद आ जाती है आपका फोर्थ ए कौन कौन सी लाइन है थर्ड ए में देखिए आपकी लाइन होती है बैगन आलू गाजर इन थैली इसका देखिए यहाँ पर यह प्लस थ्री शो करता है ये पूरी की पूरी लाइन जो है प्लस थ्री का शो करेगा ये प्लस थ्री लाइन है प्लस थ्री लाइन है इसका देखिए यहाँ पर इसके बाद होता है कुंबले श्रीनाथ गए संग पंजाब इसमें देखिए यहाँ पर प्लस फोर शो करता है प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर और ये प्लस फोर इसका मतलब ये प्लस टू भी शो करता है और ये प्लस टू भी शो करता है बैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर इसका मतलब यहाँ पर दो और बढ़ जाएंगे एस एन प्लस टू और पी वी प्लस टू यहाँ पर देखिए इस तरीके से अब कि देखिए यहाँ पर इससे भी आप क्या करेंगे रिएक्शन कराएंगे जैसे ये स्कैंडियम ये कहाँ गया ये चलिए मैं लिख देता हूँ देखिए स्कैंडियम फॉरन क्लास बनाओ इंस्पेक्टर अटेंड करेगा मैं अभी बता दे रहा हूँ प्रारूप बना रहा हूँ अभी ठीक है जैसे स्कैंडियम फ्लोराइड टाइटेनियम फ्लोराइड मेनेडियम फ्लोराइड क्रोमियम फ्लोराइड मैग्नीशियम फ्लोराइड आयरन फ्लोराइड कोबाल्ट फ्लोराइड निकिल फ्लोराइड कॉपर फ्लोराइड जिंक फ्लोराइड यटेबियम फ्लोराइड जिरकोनियम फ्लोराइड नाोबियम फ्लोराइड मालविलियम फ्लोराइड इस तरीके से आपके देखिए कितने फार्मूला बन जाएंगे बताइए देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्थी फोर्टी टू थर्टी फाइव थर्टी थर्टी एट और आपका थर्टी एट लगभग फोर्टी मान लीजिए और ये देखिए ये नेगेटिव आए ना इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका फोर्टी फोर्टी आपका एट्टी हो गया और ये एट्टी आपका हो गया एक सौ साठ लगभग ये हो गए अभी देखिए नेगेटिव चार्ज भी वाले हैं नेगेटिव चार्ज में जैसे आपके मैं बनाऊंगा आपके लिए देखिए नेगेटिव चार्ज वाले कौन कौन से आ जाएंगे जैसे इसी में मैं बात करूं अब देखिए नेगेटिव चार्ज वाले ये तो आपका हो गया पॉजिटिव वाला इतना ठीक है अब नेगेटिव चार्ज देख लीजिएगा ज़रा देखिए निगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज।, चार्ज में मैं बात करूं देखिए यहाँ पर बहुत हैं फौरन क्लास बनाओ इंस्पेक्टर अटेंड करेगा एक तो यही लाइन है नेक्स्ट देखिए हाइड्रोक्साइड नाइट्राइट नाइट्रेट ये नेगेटिव है सारा का सारा नेगेटिव चार्ज नेगेटिव। नेक्स्ट इसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाता है फॉर्मेट एस सी एसीटेट सी एस थ्री सी डबल ओ एसीटेट इसके बाद कहा जाता है बाई सल्फेट बाई कार्बोनेट इसको बाद देखिए ये भी निगेटिव चार्ज है इसके बाद आ जाता है आपका परमैग्नेट, इसको आ जाता है पराक्साइड पराक्साइड में देखिए O2 होता है नेक्स्ट इसके बाद आपका आ जाता है बहुत है ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये आ जाता है इसके बाद ये आ जाता है जैसे भी आपको याद हो वैसे आप याद कर लीजिएगा ये देखिए आप पराक्साइड इसे बोलते हैं पराक्साइड ये पराक्साइड जैसे आपने देखा होगा ये बेरिलियम पराक्साइड मैग्नीशियम पराक्साइड कैल्शियम पराक्साइड जैसे आपने देखा होगा सोडियम पराक्साइड हाइड्रोजन पराक्साइड ये होता है तो इसी के बाद आपका आ जाता है देखिए ये आपका साइनाइड आ जाएगा और ये आइसोसाइनाइड एनसी साइनाइड और ये आइसोसाइनाइड इसके बाद आपका आ जाता है साइनेट साइनेट आइसोसाइनेट बस एन सी हो जाएगा आइसोसाइनेट इसके बाद आपका आ जाता है ये थायोसाइनेट थायोसाइनेट फिर उसके बाद एन सी हो जाएगा थायो आइसोसाइनेट ये आपका आ जाएगा ये सब क्या है नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव 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 इसके इसका देखिए यहां हाइपोक्लोराइट हाइपोक्लोराइट या yeah. फिर इसके बाद आपका कहा जाता है क्लोरेट क्लोराइट क्लोरेट इसके बाद आपका आ जाता है सी एल ओ फोर पर ये सारे के सारे क्या है नेगेटिव 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 अब देखिए कितने फार्मूला बन जाएंगे है बहुत फार्मूला बन जाएंगे आपके यहाँ पर कैसे बनेंगे देखिए मैं आपके लिए नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाऊंगा मिलाऊंगा ये देखिए चाहे इसको पकड़ लीजिएगा एक को तो ये नेगेटिव से सबसे मिला दीजिएगा नेगेटिव से देखिए कैसे बेरिलियम फ्लोराइड या ये बेरिलियम फ्लोराइड बेरिलियम क्लोराइड बेरिलियम ब्रोमाइड, बेरिलियम आयोडाइड बेरिलियम एस्टेटाइड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बेरिलियम नाइट्रेट ये मैं आपको अब फार्मूला बनाकर दिखाऊंगा तो ठीक है फिलहाल अभी मैं नेक्स्ट ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इस वीडियो को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं ठीक है, है? यहाँ पर मैं इसको अभी कैरी करता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है तो फिलहाल जाइएगा कहीं नहीं ठीक है अभी मैं अभी इस इसी से आगे कैरी करता हूँ ठीक है तो इस वीडियो में केवल इतने फार्मूला भी आपने देखे होंगे कितने हैं थर्टी कितना हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव और इधर ये थर्टी फार्मूला आपके कॉपी में बनकर तैयार हो चुके होंगे ठीक है अब बात करते हैं देखिए यहाँ पर नेक्स्ट मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कितने फार्मूला बन जाएंगे लगभग कितने बनेंगे देखिए गिन लीजिए ये आपका फोर्टी मान के चलिएगा ये फोर्टी है और ये कितना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इसका मतलब ये आपका हुआ 24 और इधर आपका 24 और मल्टीप्लाई फोर्टी से कर लीजिएगा ये आपका लीजिए 960 ये 960 लगभग में एक हजार ये फार्मूला भी मैं आपके तैयार करवाऊंगा एक हज़ार फार्मूला देखिए कैसे होते हैं इसी को इसी को लेकर मैं अभी आपको एक हजार फार्मूला